अच्छे से ड्रेस व्रेस करके शूट हो सकता है ना, जो वैसे ही वाली होती है स्लोमो वाली, है ना यार। ये कितना गंदा है, देखो काई है इसमें, पानी ये गर्म है, अंदर ठंडा था। ये पहाड़ से नहीं आ रहा ना, ये इसे वो स्विमिंग पूल वाला पानी है। छोटी छोटी स्लीपर करा सकते हैं इसमें, मजबूत है। और हमने इसे लिया है मसूरी से ना, मात्र 150 रुपया की है, तो देख लेते हैं कितनी मजबूत है। इसको पानी में भिगो भिगो के इसको भी ट्रैकिंग करा के आएंगे। और अगर ये चल गई तो मैं सजेस्ट करूँ कि मसूरी से स्लीपर खरीद के जाओ, वो भी 150 रुपये में, सही है ना। हाय गाइस, तो राफ्टिंग के बाद हम फटाफट से निकल गए हैं नीरगढ़ झरने की तरफ, वाटरफॉल है जो कि, और ये राम लक्ष्मण झूले से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और इसका चार्ज सिर्फ 30 रुपये है लोकल लोगों के लिए, और अगर कोई बाहर से विजिट करता है तो उसके लिए 50 रुपये है। तो हम फटाफट से वहां के लिए निकल गए हैं, और ट्रैफिक देख ले क्योंकि मैंने ये क्लिप बहुत टाइम से डालना था बट मैंने डाला नहीं। तो आपको शायद मैंने लास्ट क्लिप में बताया था कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हो घूमने तो आप बाइक कार बस को अवॉइड करें, आप बाइक को रेंट पर लें, और अगर पूरा बाइक ट्रिप है तो यार आप लोग निकल लो, बस वेट मत करो किसी चीज़ का, और उसके बाद एक्सप्लोर करने आराम से जा सकते हो। तो आप देख ले कितनी लंबा ट्रैफिक है ये, जो कि हमेशा लगता है, हमेशा आपको हर मिनट में आपको देखने मिलेगा, और बहुत रेयरली यार ख़त्म होगा। आप देख लो ये 4-5 मिनट की वीडियो है जिसको मैंने स्पीड में लगा के आपको दिखा दिया, एक छोटा सा क्लिप। तो फटाफट से हम वहाँ जाएंगे, और कैसा है लोकेशन, लोकेशन तो बहुत अमेजिंग है। तो चलो दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या है, और ट्रैफिक से निकल करके फाइनली हम पहुँचे। और ये देखे, ये रूल्स कोई भी फॉलो नहीं करता, ये एक ट्रैक्टर है जो खींचे जा रही है इस बैरियर को। तो ये देख ले, ये भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। तो यार फॉलो करो रूल्स को, यार फॉलो करो, ये हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो चलो अब हम मूव करते हैं, और आप भी जा रहे हो तो ध्यान रखना, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट की यहाँ पे ज्यादा नहीं लूटते, इंडियन को 30 और फॉरेनर को 50 रुपीज, इससे ज्यादा बिल्कुल चार्ज नहीं करते, और बहुत ही बढ़िया है। हम क्या करके आए राफ्टिंग करके आए हैं, फिर से जा रहे हैं नहाने, पेट पूजा कर ले, और 4 घंटे के बाद हम अल्टीमेटम ये मिला है कि 12 बजे जाएंगे, 4 बजे नीचे आएंगे, इसलिए पूरा एक पराठा खा के फिर जाना है हमें। और बाहर मैंने दिखाया भी था, फिर भी एक बार दिखाया। तो भैया जी एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि टिकट लेने के बाद आप गाड़ी में पार्किंग में मत रख के आना, क्योंकि हमारे साथ हमारी घनघोर बेइज्जती हुई है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे थे और टिकट लेने के बाद आपको काफी दूर जाने के बाद आपको टिकट दिखाना होता ऊपर जाने के टाइम पे, तो हमें लगा कि बस टिकट ले लेना होता है और वहीं पर जो चेक करते हैं उसके बाद फाइनली हम जा सकते हैं, तो बट ऐसा नहीं है। जैसे कि आप झरने के ऊपर जाओगे ना तो आपको वहीं पर चेक करेंगे, तो टिकट अपने साथ रखना और लेकर जाना। तो अब फाइनली हमने एंटर किया है, क्योंकि हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, टिकट हमने गाड़ी में रख दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नोट कर लो। और चलो अब आगे चलते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, वॉटरफॉल में भीगने के लिए तैयार होके आना पड़ता है, जो कि मुझे पता ही नहीं है। अब सामने ही देख लो कितनी प्रीटी लड़कियां तैयार होके आई है भीगने, और मैं हूँ टी शर्ट डाल के चली आई। अब देखो जहां घूमने गई थी वहां वुलन वेयर डाल के घूम रही थी, कुछ भी करती हो यार, और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है ना लोगों को कि वो अपना अंडर गार्मेंट सर पे रख के घूम रहे हैं, जैसे कि ये देख लें आप। तो अब यार मैं बेवकूफ है या ये है या हम सभी हैं, चलो देखते हैं आगे और कितने मिलते हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर, और यहीं बनाना है और ऊपर लौट के बनाएंगे ना वाली वीडियो, तुम्हारी बता रहे हैं। चलिए भैया, यहाँ पे तो बहुत ही रश है,
क्या ही दिखा, रुको जरा। तो जैसा कि मैंने बाइक के लिए बोला था, राइडर बनने की जरूरत नहीं है, वैसे आप 11 नंबर गाड़ी से भी अपने राइडर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोकेशन देख ले कैसा है, जरा भी इधर उधर हुआ ना तो आप गए। हाँ, वाटरफॉल की जगह आप बहुत ही ऊपर टॉप पे चल जाओगे, जो कि हमें टॉप पे जाना है। ठीक है, तो हम संभल के जाएंगे। तो भैया जी, हम ऊपर आ गए। कहाँ से आए ये भी दिखा सकते, क्योंकि काफी ऊपर आ गए। और एक सीन बताती हूँ, पूरा ब्लॉग बना के ओपे प्ले ही नहीं किया था वीडियो को। अभी कहाँ जाना है, इधर एक बार पूरा पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, सूख भी चुके हैं, फिर से हम जा रहे हैं गीले होने। यार ये रास्ता नहीं है, इधर से रास्ते दिखाओ, कितने सही लग रहा है ना। थक भी है, एक्साइटेड भी है, गीले भी हो गए, सूख भी गए, और फिर भी अभी ऊपर जाना है। वहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख सकता है, नहीं यहाँ से नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। स्कैम तो नहीं होगा तो। फूल भी अच्छे। अभी और ऊपर नहीं। और एक व्लॉग में एक सीक्रेट बात बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ दिखेंगी, मुझे दिख गई हैं तो आप लोग को भी दिखा दूँगी। पेटी लड़कियां दिखना बंद हो गई हैं क्या? हो सकता है, हु नोस। चल के लड़की बैठ जा रही है, जब देखो थक जा रही है, पता नहीं एडवेंचर के नाम पे क्या करने आई है। अरे भैया जी, अब जाके रुकी हूँ मैं, एक बार ब्लॉक के लिए रुकी थी, अब फाइनली रेस्ट के लिए रुकी हूँ। तुमसे ना हो पाएगा, होगा, मुझसे ही होगा। वो देखो क्या सीन चल रहा है, ऐसे से सीन चल रहा है, ऐसे। मैंने कैप्चर में इसको ले लिया ऐसे। ओ महाराणा प्रताप। तो आराम मस्तियों के बाद और दूसरों का मजा लेने के बाद फिर हम आगे निकल गए हैं। और हालत देख ले, वाहियात हो ही चुकी है, खराब हो चुकी है, वाहियात नहीं खराब हो चुकी है। स्टिल हम सोच रहे हैं व्लॉग अब कहाँ बना सकते हैं, अब कहाँ पर बना ले, बट एडवेंचर के नाम पे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रिस्की चीजें हो रही थी, तो मैंने कहा चलो छोड़ो आगे निकलते हैं और फाइनली वहीं पहुंच कर बनाते हैं जहाँ पे हमें जाना है, तो हम फोकस करते हैं। और वैसे भी मैंने बहुत सारी क्लिप लंबी 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 बनाई है, इसलिए आज शॉर्ट में सब कुछ दिखा दूंगी। और नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो भी देखना। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चलो पूरा व्लॉग देखो। ये बताओ वेट लॉस करने कौन कौन आया है? मैं भी आया हूँ, 4 लीटर। 4 लीटर भैया, मेरे को तो वेट लॉस करना ही नहीं, ऐसा ही खत्म। तो बताओ कैसा लग रहा है? लेकिन नीचे से चल रहे थे तो लग रहा था बहुत दूर है, बहुत दूर है, सिर्फ 2 बार रुकने के बाद पहुंच गए। लेकिन बता रही हूँ इजी नहीं है, लेकिन मजा आएगा। इंडिया से बाहर के लोग भी आए हैं घूमने। हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ मैंने दिखा दिया कहाँ गाड़ी पार्क थी, यहाँ समझ में आए। पीछे से पानी आ रहा है, Okay.
एक मिनट की ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग नहीं बनाया यार। टेबा एक पेड़ तो एक मिनट ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਚਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਾਰੇ ਆਲੂ ਭਈਆ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ तो ऐसे और भी ओवर स्मार्ट लोगों को बताओ कि लड़कियां ऐसा नहीं पटती, और मेरी जैसी लड़कियां तो कभी भी नहीं पटने वाली है क्योंकि वो उन्होंने बैन लगा रखा है कि पटना अलाउड नहीं है। तो प्लीज ट्राई ना करें, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें। चली जाऊं?